वेलकम बैक डे थ्री। आज का हमारा टॉपिक है योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्वीन बी रोल। डे थ्री है डिफाइन एंड प्रोटेक्ट योर क्वीन बी रोल द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो डे वन पे हमने बात की थी ग्रोथ के बारे में, फाइव स्टेप्स थे कौन कौन से, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स, वो सब क्लियर कर लीजिएगा। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो दोबारा रिपीट करके जरूर देखिए, बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखे उनको जरूर देखिए, क्योंकि एक दूसरे से सारे वीडियो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर एक नहीं देखेंगे तो दूसरा वाला समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, डे सेकंड पे हमने बात की थी ऑटोमेशन सिस्टम्स के बारे में। आज है डे थ्री, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्वीन बी रोल। नाम से पता चल रहा है क्वीन बी, क्वीन बी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या काम करती है? मधुमक्खी फूलों से जाती है, फूलों से रस लेके आती है ना। इनका एक छत्ता होता है, स्क्रीन पे आपको देखिए सारी चीजें दिख रही हैं, मधुमक्खी भी दिख रही है और ये हनी बी है। हनी बी बोलते हैं इंग्लिश में, हनी बी से हम मनी बी कैसे बनाए इसको, यही आज हमें सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा आज का और ध्यान से समझना है कि कैसे हम हनी बी को मनी बी कर लेंगे। तो मधुमक्खी का काम क्या होता है? फूलों पर जाना, फूलों के रस लेके आना और शहद बनाना। ठीक, इनकी एक रानी मधुमक्खी होती है, उसका काम क्या होता है? वो होते हैं अंडे देना। वो सिर्फ अंडे देती रहती है, अंडे देती है, अंडे बच्चे पैदा करती रहती है ना। तो आपका काम क्या है? आपको अपना क्वीन बी रोल देखना है। तो हो सकता है आपका काम भी हो बच्चे पैदा करना है ना। तो बच्चे नहीं, रियल में, मजाक में नहीं, रियल में बच्चे पैदा करना मतलब सेल्समैन, अपने आप ने सेल्समैन इतने बच्चे पैदा कर दिए। जैसे डीओ होते हैं ना, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के, उनका काम क्या होता है? बच्चे पैदा करना, मतलब एडवाइजर बनाना। जितने ज्यादा एडवाइजर बनाएंगे वो, उनकी उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो उनका क्वीन बी रोल, क्वीन बी रोल समझना बहुत जरूरी है। रानी मधुमक्खी का काम क्या है? अंडे देना। मधुमक्खी का काम क्या है? जो उसके वर्कर होते हैं, एम्प्लॉई, टीम मैनेज, टीम मेंबर्स जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं? फूलों पर से जाते हैं, शहद चूस चूस के लेके आते हैं रस और शहद बनाते हैं। एक चम्मच शहद बनाने में बहुत हजारों फूलों पर फिरना पड़ता है, ऐसी हमारी सेल्स होती है। थोड़े से पैसों के लिए बहुत दरवाजे खड़खड़ाना पड़ते हैं, है ना। 100 लोगों से, 500 लोगों से बात करो तब जाके 2-4-5 डील डन हो पाती हैं। क्लोजिंग स्किल्स नहीं है हमारे अंदर, क्लोजिंग स्किल्स सीखना होगी। अपने आपको क्लोजिंग स्किल्स ग्रो करना है, डेवलप करना है, कैसे करेंगे? ठीक, रॉबर्ट कियोसाकी का अगर चार्ट नहीं देखा है तो भाई देख लो, यहां पे चार क्वाड्रेंट हैं, ई, इंप्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। इधर दो में से निकल के उधर भागना है। ये रॉबर्ट कियोसाकी है ना, टी शर्ट और जींस पहने हुए हैं ये, और उधर कोट पैंट। तो कोट पैंट वाले में बनना है बाबूजी, फिर गाना गाना है साला मैं तो साहब बन गया, है ना। तो कैसे कैसे इधर से उधर फांदना है। अभी हम लोग इधर हैं तीसरे नंबर पे, सेल्फ एम्प्लॉयड से कैसे हमें बिजनेस वाले क्वाड्रेंट में जाना है। अगर वो वीडियो नहीं देखी रॉबर्ट कियोसाकी वाली, क्वाड्रेंट्स वाली, तो वो जरूर देख लीजिएगा, वरना सब दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। ठीक है, और नीचे नंबर फोर्थ पे जाना है, इन्वेस्टर बनना है। 1-2 से निकल के 3 और 4 में जाना है। और इन्वेस्टर बनने के लिए आपको चाहिए होंगे पैसिव इनकम, अपने 5 बिजनेस पैसिव डेवलप करिए। एक है मेरे 5 बिजनेस कौन से हैं? एक है बुक बिजनेस, एक बार कर लिया काम हमेशा पैसा मिलता रहता है। दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल, एक बार वीडियो बना बना के डाल दी हमेशा पैसा मिलता रहता है हर महीने। तीसरा मेरा ऑनलाइन कोर्सेज, एक बार बना बना के डाल दिया वहां से हमेशा हमेशा होता रहता है। थर्ड है कोचिंग कंसल्टिंग, कोचिंग कंसल्टिंग ले ली कंपनी, एक बार ज्वाइन कर ली साल भर तक पैसा मिलता रहता है ना। और पांचवा है मेरा रियल एस्टेट बिजनेस, यहां पे मल्टी फैमिलीज, एक बार प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने चेक आ रहा है, मंथली पैसा आता रहता है। तो ऐसे सोते रहे आप और पैसा आता रहे, तो पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब जब आप काम कर रहे हैं तब पैसिव, मतलब जब आप सो रहे हैं तब भी पैसा आए। तो वो काम करना है कि सोते सोते पैसा आए। ठीक ठीक करेंगे। तो हनी बी मधुमक्खी, क्वीन बी रोल क्या है? मधुमक्खी का मेन काम क्या है? जो उनके वर्कर हैं शहद चुनना, और उनकी रानी मक्खी जो होती है उसका काम क्या है? अंडे देना। इस तरीके से आप डिफाइन करिए कि आपका क्वीन बी रोल क्या है, क्योंकि क्वीन बी से हनी बी बनना है। ये स्क्रीन पे देखिए, ये दिख रहा है ना, ये वर्कर होते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वीन बी रोल क्या है आपको यहां पे, जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वीन बी रोल है, जो आपका मेन रोल है, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर जो रानी मक्खी है वो अंडे देना बंद कर दे, काम ठप हो जाएगा। उसका काम है, मेन काम है अंडे देना, बच्चे पैदा करना, ज्यादा ज्यादा मधुमक्खियां बनाएंगी। तो जितनी ज्यादा मधुमक्खियां बनेंगी उतना बड़ा छत्ता होता जाएगा, उतना ज्यादा शहद लेके आएंगे,
उतना ज्यादा काम होता रहेगा। इनका क्वीन बी रोल क्या है, वर्कर्स का, ज्यादा से ज्यादा शहद लेके आना। ये हजारों फूलों पे मंडराते रहते हैं, हजारों फूलों पे जाते हैं, वहां से शहद लेके रस लेके आते हैं और शहद बनाते हैं छत्ते में। तो सबका अपना एक क्वीन बी रोल होता है। तो इसी तरीके से आपको अपना डिफाइन करना है कि आपका क्वीन बी रोल क्या है और आपकी कंपनी का क्वीन बी रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरनेट की कंपनी है, ठीक है, उसको क्वीन बी रोल क्या है, सर्विस मेन है उनकी। सर्विस अगर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे आप अपना देखिए आपका क्वीन बी रोल क्या है। अकाउंटेंट है, उनका क्वीन बी रोल क्या होता है, एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो। डॉक्टर है, डॉक्टर का क्वीन बी रोल क्या है, और उस क्वीन बी रोल से मतलब जो मेन काम है वो आपका मार्केटिंग हो सकता है, ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकता है, डे टू डे वर्क हो सकता है, सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको फोकस करना है कि मेरा क्वीन बी रोल क्या है, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। अब उसको क्या करना होगा, आपको वहां से छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको छोड़ देना है, उसकी जगह पे आपको अपना डुप्लीकेट बिठाना है। भाई यही तो ऑटोमेशन का सिस्टम है। एक बार आप पहचान लेंगे, 7 फंक्शंस थे डिपार्टमेंट्स, 5 स्टेप्स जो थे, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स, है ना, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर टीम, ऑपरेशंस, डे टू डे वर्क, उसमें भी सब देखना है। तो फाइंड योर क्वीन बी रोल, फाइनल वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपका क्वीन बी रोल क्या है, तो आप 10 12 15 20 25 तक लिख लीजिए वर्क जो आप डेली करते हैं, उनमें से एक छाटेंगे कि कौन सा हमारा क्वीन बी रोल है। देखते रहना कि कौन सा टास्क है जो आपका मेन है। जब तक वो नहीं निकल आएगा, जैसे ही वो निकल के आया उसको डेलीगेट कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे, सिस्टमाइज कर देंगे, हायर कर देंगे, एम्पायर द टीम कर देंगे और आप फ्री हो जाएंगे। डू ओनली व्हाट यू डू बेस्ट। क्वीन बी रोल कौन सा होता है, जिसमें आप बेस्ट होते हैं। आप दुनिया के सारे काम तो कर नहीं सकते, कि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर सब काम नहीं कर सकते, है ना। आई कैन डू एनीथिंग बट आई कैन डू एवरीथिंग नहीं, आई कांट डू एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। तो ठीक है, डेलीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आपको यहीं पे समझना है। उसको वर्क टास्क है, हेडेक है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एडमिन वर्क है, कुछ भी है, जो भी है, जो आपका QBR है, क्वीन बी रोल जो है, वो आपको समझना है अपना, और आपको वहां से हट जाना है, अपनी जगह पे डुप्लीकेट को बिठा देना है दूसरे को, ताकि आप फ्री हो सकें, मेंटल फ्री, और आप उसको बढ़ा देंगे। अब ये स्ट्रेटजी शीट देखेंगे, इसको हमें रेडी करना है, क्योंकि हमारे पास दिन में सिर्फ होते हैं 24 घंटे। 24 घंटों को 48 घंटे कैसे बनाए, 96 कैसे बनाए, 72 कैसे बनाए, बताया था वो वीडियो, देखी थी, नहीं देखी तो देख लेंगे टीम बिल्डिंग वाली, कि अपने घंटों को 48 96 घंटों को कैसे बनाए आप। एक सेल्समैन अपने 24 घंटों को 48 घंटे का कैसे बनाए, ठीक है, नहीं देखी तो देख लेंगे। तो 30,000 घंटे होते हैं हमारी पूरी लाइफ में, 40 साल के हो गए, तो भैया सोचो, जागो महाराज, 15,000 घंटे बचे हैं सिर्फ। अगर आपसे कहा जाए कि 15,000 रुपए हैं सिर्फ, सारी जिंदगी गुजारना है, कैसे गुजारोगे, टेंशन हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी, टेंशन हो जाए, हाइपर हो जाओ, बीपी हाई कर लो, लेकिन जुट जाओ भाई, सिर्फ 15,000 घंटे बचे हैं, ये स्ट्रेटजी शीट बनानी है, 2-3 साल में बिजनेस ग्रो करके हटा देना है, फिर दूसरा बिजनेस डालना है, तीसरा डालना है, चौथा डालना है, पांचवा डालना है, बिजनेस के मल्टीपल वेज ऑफ इनकम रेडी करना है भाई, ठीक है। तो 7 स्टेजेस थी हमारी, 5 स्टेप्स थे, 7 स्टेजेस थी, हमने उसमें अपना अपना डिफाइन करेंगे QBR रोल, और उसको डिफेंड एंड सर्व करना, उसको हर हाल में बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, अपने सिस्टम्स को रिकॉर्ड करना है, डेवलप ए बैलेंस टीम। कल हम टीम के बारे में बात करेंगे, टीम और टीम से रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं, कि बेस्ट हायर टीम कैसे करेंगे, उसे रोक के कैसे रखेंगे, रिटेन हायर, 3 सीक्रेट्स करूंगा मैं आपसे शेयर, है ना, मॉनिटर कैसे करना है अपने बिजनेस को, ये सब, ठीक है। असाइनमेंट लेंगे, रिवाइज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको देखना है। बाइंग सिग्नल्स आपको पहचानने होते हैं, है ना, डोमिनेट बाइंग सिग्नल्स के पहचानना होता है, कौन से कस्टमर के डोमिनेट बाइंग सिग्नल्स है, उनके हर स्टेप में साथ में रहना होता है। फाइंड आउट द कंपनी क्वीन बी रोल, कंपनी का क्वीन बी रोल निकालना है और आपको अपना क्वीन बी रोल निकालना है। राइट योर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन 7 डिपार्टमेंट्स आपको अपनी निकालना है। कीप कटिंग डाउन द लिस्ट टू योर 1 इंपॉर्टेंट रोल, उसको कट करते रहना है, कट करते रहना है। 4 हफ्ते लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 4 महीने लगे, लेकिन इसको कर लीजिए तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा एक इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, बेस्ट हूं, वही मेरा क्वीन बी रोल है, है ना। वो मधुमक्खी है क्वीन बी वाली, वो मर जाती है तो उसकी जगह पर दूसरी रानी मक्खी आ जाती है, काम थोड़ी ना बंद होता है, काम चलता रहता है। अपने आप पे क्या है, अपने आप पे दुकान बंद तो काम बंद, हम नहीं गए तो काम बंद, तो ये नहीं होना। बस मेक ए प्लान टू प्रिजर्व क्वीन बी रोल एट ऑल कॉस्ट, और हर हाल में उस क्वीन बी रोल को बचाना है, ठीक है। आगे मुझसे जुड़े रहना चाह सकते हैं तो जुड़े,
कॉल करें। आगे अगर आप मुझसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल 3 साल के लिए जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप्स में, ठीक है। बीआर ग्रुप है, P3 ग्रुप है और बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिनमें आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो अगर आप अपना अपने बंदों को नोट छापने की मशीन बनाना चाहते हो, अपनी कंपनी को नोट छापने की मशीन बनाना चाहते हो तो इन कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें, बहुत फायदा होगा। सब आपके फायदे की ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना कीमती दिया। डेली असाइनमेंट करते रहिएगा और लाइव जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से। वीडियो आपको दे दी गई है, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। लॉगिन पासवर्ड मिल गया आपको, परमानेंट आईडी पासवर्ड, जब चाहे एनी टाइम एनीवेयर, जहां जब दिल चाहे जितनी बार चाहे आप वीडियो को बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। कहीं पे कोई डाउट आता है, डिस्ट्रैक्शन है तो फोन नंबर है मेरा, फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी कोर्स तो आपके पास है ही, वर्कशीट्स हैं, वर्कबुक्स हैं, शीट्स हैं, मैंने सब दे दी, उनको सबको फिल करिए, रेडी करिए। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन एक बार जैसे ही आप सारी चीजें समझ जाएंगे, प्रोसेस करने लगेंगे, फिर आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रो करें, गो बिग और गो होम, ठीक है। ठीक, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।